<coughs> Hi to everyone, welcome to Gate Concept. So, in this video, I have taken a question from the Gate uh, examination that uh, was asked in the Gate 2016 for one marks. Uh, so, this question is from the analog electronics. So, a question is a transistor circuit is given below. The Zener diode breakdown voltage is 5.3 volt as shown in the figure. Take base 2 meter voltage drop to be 0 0.6 volt. The value of the current gain beta is okay. This question is a net type question, and uh, it was asked in gate 2016 for one marks. very simple question. This is तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं है ना तो यहाँ पे जो जिनर डायोड है वो ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन स्टेट में है तो जिनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ना, इस क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 5.3 पॉइंट थ्री वोल्ट एज वन इन द फिगर सो अगर ये जिनर डायोड ब्रेक डाउन में है तो यहाँ का वोल्टेज जो है वो हो जाएगा 5.3 पॉइंट वोल्ट ठीक है फाइव पॉइंट थ्री वोल्ट तो इस जेनर डायोड में जो करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो पॉइंट फाइव फ्लो कर रहा है जीरो पॉइंट फाइव करंट फ्लो कर रहा है ठीक है तो अगर हम इस ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें जाने वाला करंट आई बी होगा ये आई ई होगा और ये कलेक्टर है दिस वन इज द आई सी ठीक है ये आई है ये आई सी है ठीक है तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये बेस है ये इमीटर है और ये कलेक्टर पॉइंट दिस वन इज़ द कलेक्टर दिस वन इज द बेस एंड दिस वन इज द इमीटर ओके सो 0.5 पॉइंट फाइव करंट पे करेंट जेनर डायोड में फ्लो कर रहा है तो यहाँ का जो वोल्टेज है इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो 5.3 वोल्ट है तो यहाँ का वोल्टेज टेन किवन है तो इस फोर पॉइंट सेवन किलो ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम निकाल सकते हैं ठीक है तो कैसे निकालेंगे करंट जो होता है वोल्टेज डिफरेंस दैट इज़ टेन माइनस फाइव पॉइंट थ्री ठीक है दोनों ही जो वोल्टेज है वो वोल्ट में है और रजिस्टेंस किस में है किलो ओम में तो करंट किस में आएगा मिली एम्पियर में आएगा तो फोर पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट सेवन ये एक गुड स्टाइल है आई वालों का एक गुड स्टाइल है है ना? वन मिली एम्पियर क्योंकि वो जो है ना आ, वोल्टेज को वोल्ट में देते हैं रेजिस्टेंस को किलो में देते हैं तो ऑब्वियस है कि करंट वो मिली एमपियर में आएगा और वैल्यू जो है इस तरह से दी हुई है वोल्टेज है वोल्टेज है है ना तो जब इसको सबस्टेड करोगे टेन माइनस फाइव पॉइंट थ्री दैट इज़ फोर पॉइंट सेवन और रजिस्टेंस भी फोर पॉइंट सेवन है तो कहीं कैलकुलेटर की नीड नहीं है एक एग्ज़ाम में अगर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ रहेगा तो ईजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है विदाउट कैलकुलेटर ठीक है तो ये गुड स्टाइल है आई वालों का वो वैल्यू को परफेक्ट देते हैं ताकि कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़े उसे तो करंट जो है इस फोर पॉइंट सेवन किलो ओम में वो करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज़ द वन मिली एम है ना तो वन मिली एम पियर यहाँ फ्लो कर रहा है इधर जा रहा है जीरो पॉइंट फाइव मिली एम तो ईजी वे में हम बता सकते हैं कि आई जो होगा वन मिली एम यहां गया 0.5 पॉइंट फाइव मिली एमपियर तो आईवी में कितना जाएगा बेस करंट करेंट वैल्यूज फाइव मिली एम ठीक है तो बेस करंट मिल गया तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर बेस वोल्टेज 0.6 वोल्ट है तो द तो वैल्यू ऑफ द करेंट गैन बीटा बीटा की वैल्यू पूछी जा रही थी तो बीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे बीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेस बेस्टमीटर वोल्टेज भी गिवेन है आई थिंक बेस बेस्टमीटर वोल्टेज दैट इज 0.6 वोल्ट गिवन है तो ऐसा करते हैं इस डॉटेड लाइन में हम केवीएल परफॉर्म करेंगे ठीक है ये जो डॉटेड लाइन है इसमें हम केवीएल परफॉर्म करेंगे तो अप्लाई केवीएल अप्लाई केवीएल अलोंग द डॉटेड लाइन अलोंग द डॉटेड लाइन तो क्या इक्वेशन बनेगी माइनस टेन फोर पॉइंट सेवन इंटू वन प्लस बेस टू मीटर वोल्टेज दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स ये गिवन है क्वेश्चन में प्लस आई और यहाँ पे किलोम में इसको कन्वर्ट करना है तो यहां से कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर सेवन फोर सेवन किलोम आ जाएगा तो आई इन टू फोर पॉइंट सेवन ठीक है तो इस चीज का केयर रखेंगे केयर करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो किलो ओम में हो और वोल्टेज वोल्ट में हो है ना तो माइनस टेन प्लस फोर पॉइंट सेवन बेस टू मीटर वोल्टेज दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स ये गिवेन है आई कैन बी रिटर्न एज आई बी प्लस आई सी इंटू फोर पॉइंट सेवन इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से फाइव पॉइंट थ्री प्लस ज़ीरो पॉइंट सिक्स है ना हमसे बीटा की वैल्यू पूछी जा रही थी और आई बी मुझे पता है आई बी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो पॉइंट फाइव है और आई सी कैन बी रिटर्न एज आई सी कैन बी रिटर्न एज बीटा इंटू आई बी ओके तो कितना बन जाएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव बीटा इंटू फोर पॉइंट सेवन इक्वल टू जीरो तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो माइनस फोर पॉइंट सेवन ठीक है प्लस जीरो पॉइंट फाइव कॉमन अगर ले लोगे तो बीटा प्लस वन बीटा प्लस वन हो जाएगा इंटू फोर पॉइंट सेवन इंटू फोर पॉइंट सेवन इक्वल टू जीरो तो यहाँ हमसे बीटा की वैल्यू पूछी जा रही थी तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 4.7, बीटा प्लस वन इक्वल टू 4.7। तो यहाँ से बीटा प्लस वन की जो वैल्यू है ये 4.7, 4.7 कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई ज़ीरो पॉइंट वन मिनट माइनस टेन सही है फोर पॉइंट सेवन इंटू वन फिर बेस टोमीटर वोल्टेज जीरो पॉइंट सिक्स आई इंटू फोर पॉइंट सेवन ओके फाइन माइनस टेन फोर पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सिक्स बेस टोमीटर वोल्टेज गिवेन है जीरो पॉइंट सिक्स आई कैन बी रिटर्न आई बी प्लस आई सी माइनस फाइव पॉइंट एंड आई बी जीरो पॉइंट फाइव मिली एमपियर परफेक्ट है यहाँ तक तो इंटू फोर पॉइंट सेवन तो यहाँ से माइनस फोर पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट फाइव कॉमन लोगे तो बीटा प्लस वन हो जाएगा इंटू फोर पॉइंट सेवन इक्वल टू जीरो तो जीरो पॉइंट फाइव इंटू फोर पॉइंट सेवन बीटा प्लस वन इक्वल टू पॉइंट फोर सेवन पॉइंट फोर सेवन कैंसिल हो गया तो बीटा प्लस वन इक्वल टू वन बाई जीरो पॉइंट फाइव तो यहाँ पे माइनस टेन कैलकुलेशन तो सही है फिर बीटा की जो वैल्यू है फोर सेवेंटी गिवेन है जीरो पॉइंट सिक्स गिवेन है आई इंटू फोर पॉइंट सेवन ओके यहाँ मिस्टेक हो रहा है आई इंटू फोर पॉइंट सेवन रजिस्टेंस इमिटेड रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है जीरो पॉइंट फोर सेवन ना क्योंकि ये तो जब इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन किलो में आएगा तो यहाँ से देखो एक मिस्टेक हो गया जिस वजह से करेक्ट आंसर नहीं आ रहा था तो पॉइंट फोर सेवन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ठीक है आई वी इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव ये सब सही है तो यहाँ पे देखो एक माइनर मिस्टेक हो गया जिसके कारण से थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो माइनस फोर पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट फाइव कॉमन ले लेंगे तो बीटा प्लस वन और यहाँ पे जीरो पॉइंट फोर सेवन है तो इस बात का जरूर केयर करेंगे कि सारे रेजिस्टेंस को जो है ना किलोम में करो वोल्टेज को वोल्ट में करो ताकि करेंट मिली एमपियर में आए ठीक है तो इस गलती से बचना है इस मिस्टेक से बचना है तो मिस्टेक भी हमें कई बार बहुत चीज़ सिखा देती है ठीक है तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा फाइनली ये आ जाएगा divided by into 4.7 पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फोर सेवन तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर हंड्रेड नीचे टेन ठीक है ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा टेन अपॉन ज़ीरो पॉइंट फाइव तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सो so, द वैल्यू ऑफ बीटा इज नाइनटीन तो वीटा की जो वैल्यू है वो नाइनटीन है तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी नाइनटीन दिस क्वेश्चन वॉज गेट टू थाउजेंड सिक्सटीन एज ए नेट टाइप क्वेश्चन ठीक है नेट टाइप में पूछा गया था तो वन है वैल्यू ऑफ नाइनटीन हिस्स ओके थैंक यू